मुझे कल ही एक कोरियर मिला, इसमें आपके डैडी की वसीयत है। वसीयत? वसीयत? लेकिन वसीयत तो आपने उस दिन। बिल्कुल सही, ये वसीयत उस वसीयत के बाद बनी है। इस वसीयत के मुताबिक तुम्हारे पापा ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी, अपना बिजनेस, अपना सब कुछ किसी अनिल शर्मा के नाम कर दिया है। क्या? शर्मा? ये पहेली अब और भी ज्यादा उलझती जा रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि मिस्टर मेहरा खुद ही उस लड़की के साथ कहीं गायब हो गए थे? ये बात तुम नहीं आ रही हो? मुझे ना घुटन सी हो रही है, मैं थोड़ी देर तक आऊं। ओके। आ रही मम्मी? आप चलो, मैं आती हूँ। ओके। अपना ध्यान रखना। गुड नाइट। गुड नाइट। पापा कहाँ है? कर रहे हो तुम? तुम्हें डर नहीं लगता है? तुम्हारी तो मैं खुशबू तक पहचान जाती हूँ। हेलो, मिसेज मेहरा जी बोल रही हूँ। जी मैं इंस्पेक्टर थरंट बोल रहा हूँ पंचकूला पुलिस स्टेशन से। माफी चाहूंगा मैडम, आपने इस वक्त तकलीफ दे रहा हूँ, पर आप सब इस वक्त पुलिस स्टेशन आ जाओ। क्या हुआ, कुछ पता चला क्या उनका? मैडम फोन पे ठीक से बात ना हो पाएगी, आप पुलिस स्टेशन आ जाओ। हाँ हाँ, हम अभी आ रहे हैं, आ रहे अभी। ठीक हो? ऋषि, राज, अनु, अनु, बेटा, बेटा बाहर निकलो। मॉम, क्या हुआ? इंस्पेक्टर का फोन आया ऋषि बेटा। रीमा, रीमा, अनु, मम्मी जी, फोन आया। फोन क्या हुआ? फोन आया। क्या हुआ? मॉम, बेटा, बेटा इंस्पेक्टर का फोन आया। जनाब ये श्याम सिंह है, टैक्सी चला हुआ है, और इसका कहना है इसने मिस्टर मेहरा ने देखा है। देखा तुमने? देखा तो है साहब। क्या देखा साहब? वो पान की। साहब ये उनकी पत्नी है। ए, तुझे उससे क्या? हाँ सीधे सीधे बोल, क्या देखा तूने? जनाब मैं तो अपनी टैक्सी में उनको कालका छोड़ के चला गया था। क्या कालका छोड़ा था? हाँ, लेकिन डैड कालका क्यों जाएंगे, और वो भी अकेले? हाँ। अकेले नहीं थे मैम साहब। मतलब? अकेले नहीं थे तो फिर कौन था उनके साथ? एक लड़की थी साहब। ड्राइवर कालका ले लो।
लड़की? कौन लड़की? हाँ साहब, मैंने सोचा पति पत्नी है दोनों, ऐसे चिपक के बैठे थे। और जब मैं फिर वापस आया तो मैंने अपने एक दोस्त के मोबाइल में उनकी फोटो देखी। कह रहा था पुलिस को तलाश है उनकी। उस लड़की के बारे में कुछ बता सकते हो? उसका पुलिया वगैरह क्या पहना था उसने? हाँ साहब, जवान थी और बहुत ही खूबसूरत थी। आरे रस्ते वो उसकी बाहों में थी। मैं भी सोच के हैरान था कि उम्र का इतना फर्क और फिर भी कितना प्रेम है दोनों में। अच्छा, मॉम, पापा का किसी के साथ अफेयर था क्या? प्लीज कुछ तो बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। जरूर उस ड्राइवर को कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? उसने तो हमें ये तक बता दिया पापा कैसे दिखते हैं, क्या हाइट है, क्या पहना था उन्होंने, सब कुछ। ये सब जानने के बाद भी आप नजरअंदाज कर रही है, क्यों मम्मा? बस अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। हम ऐसे ही डैड के लिए पागल हुए जा रहे और वो वहां पे। छी, हमें यहां से अब घर लौट जाना चाहिए। राज का तो सोचिए, वो अपनी जिम्मेदारी, पुलिस की ड्यूटी, सब कुछ छोड़कर ये सब कैसे मैनेज कर रहे हैं? सब झूठ है, वो झूठ बोल रहा है ड्राइवर। मम्मी जी, ये आप नहीं, आपका प्यार बोल रहा है, अंधा प्यार। और इसी अंधे प्यार की वजह से अब ध्रुव के लिए धोखे में रही। डैडी जी, चुप रहो रीवा। खबरदार, अगर एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो। विनय? कौन विनय? हमारा कजन, मॉम की तरफ से, वही जो शिमला हनीमून के लिए गया था। लेकिन इस वक्त क्यों कॉल कर रहा है? स्पीकर पे डाल। हेलो, हाँ ऋषि, मैं विनय बोल रहा हूँ। हाँ विनय बोल। अरे यार, मैं शिमला से वापस आते हुए एक दिन के लिए कालका में रुक गया। ओके। मैंने यहाँ केदार अंकल को देखा। तुम लोग भी साथ में आए हो क्या? नहीं तो क्यों? एक्चुअली केदार अंकल एक लड़की के साथ थे, काफी मॉडल लग रही थी लड़की, मुझे लगा आंटी उन्हें के साथ में होगी वो। एग्जैक्टली कहाँ देखा तूने उन्हें विनय? यही कालका की लोकल मार्केट में। मैंने शायद अंकल को देखा। और मैंने केदार अंकल को आवाज भी दी थी, वो लेकिन भीड़ में काफी आगे निकल गए थे। मॉम बस आप। हाय विनय, राज बोल रहा हूँ। राज? अनु का हस्बैंड। ओह हेलो, हाय जीजा जी, कैसे हैं? हाय हाय। एक्चुअली विनय, तुमसे एक फेवर चाहिए था। तुमसे क्या छुपाना, तुम तो घर के ही आदमी हो। दरअसल डैडी जी आजकल काम के बोझ से मानसिक परेशानी में पड़ गए हैं, शायद थोड़ा बहुत उम्र का भी असर है, बट ही इज फाइन, इज परफेक्टली फाइन। बस कभी कभी भूल जाते हैं और अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। ओह, आई कैन अंडरस्टैंड जीजा जी। मैं चाहता था कि अगर तुम थोड़ा कालका में ही रुक जाओ और उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो हमसे शेयर कर सको तो वी विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। ठीक है, नॉट ए प्रॉब्लम जीजा जी। थैंक्स। ओके जीजा जी, बाय बाय। वादा मुझसे किया और चले किसी और के साथ गए, बस यही मिलना था मुझे मेरा सामान से। क्या इसलिए आप मुझे छुट्टियों पर लेकर आए थे?
मॉम सब बहुत हो गया, डैड ने तो हद ही कर दी, उससे मॉम की ये हालत नहीं देखी जाती। अब हमें वापस चलना चाहिए। You're right. डैड की हरकतों की वजह से हम मॉम को तकलीफ नहीं दे सकते। मैं सामान पैक करने जाती हूँ। ऋषि, ऋषि बेटा। मॉम? मॉम? अपने बचा लो, अपने पापा को बचा लो, सब ठीक हो जाएगा। फॉर्मेलिटीज बाद में पूरी कर सकते हैं। हम कालका के होटल के दानंद के बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ आप देखते हो कि भीषण आग लग चुकी है। शुरुआती जानकारी की जैसे पता लगता है कि ये आग सिलेंडर फटने की वजह से हुई है। यहाँ बहुत बुरा हाल है। ये देखिए, ये बुजुर्ग आ रहे हैं। इनसे भी हम इनसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या हाल है। अंदर का सूरत हाल बहुत ही खराब है। हम जान सकते हैं, इन्हीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत बुरी हालत। कालका कितनी दूर यहाँ से? संजोग जी, आग हमारे किचन तक ही फैली थी, इसलिए ज्यादा कुछ हम लोगों को नुकसान नहीं हुआ। आप ये बताइए, यहाँ पर कोई मिस्टर केदार मेहरा रुके थे? सर एक मिनट, बस रजिस्टर चेक करके बता देता हूँ आपको। हाँ सर, हमारे यहाँ मिस्टर केदार मेहरा अपनी वाइफ के साथ हनीमून सूट पे रुके हुए थे। इसके अलावा बता सकते हैं मुझे उनके बारे में कुछ? और कुछ खास तो नहीं, पर उन दोनों को देख के नहीं लगता था कि वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, क्योंकि उन दोनों के बीच एज का अंतर काफी था। और हाँ, उन्होंने एक खास इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। मेरे वेटर लोग भी जाते थे तो उनके रूम के बाहर ही खाना वगैरह देके चले आते थे। और हाँ एक चीज़ और, वो शाम को एक स्कॉच का बोतल हर रोज मंगवाते थे। अब क्या करें? चलिए ड्रिंक करते हैं? हाँ कभी कभार। पता नहीं ऐसा क्या है जो जो डैड ने हमसे अभी तक छुपा के रखा है। कुछ नहीं छुपाया, वो तो सिर्फ ये सोचते थे कि आप लोगों के ऊपर गलत असर ना पड़े। इतना बड़ा बिजनेस था, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, अगर वो दो पैग लगा लेते थे कौन सा पाप करते थे। अगर वो चाहते तो दिल खोल के अय्याशी कर सकते थे, लेकिन ये अय्याशी नहीं तो और क्या कर रहे हैं? बस भी करो दी, अब सब कुछ तो सामने आ चुका है। पहले ही बात का बहुत पतंगड़ बन चुका है, बार बार उसी बात को दोहरा के क्या फायदा। क्यों ना करूं मैं बात? तुम लोगों का क्या है? ससुराल में तो मुझे जवाब देना है। किस मुंह से बोलूंगी कि मेरा बाप कहाँ है और क्या कर रहा था? अरे राज, ऋषि, मिस्टर केदार मेहरा का कुछ पता चला? सर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आप बताइए अंकल, कैसे आना हुआ? अगर ये मामला इतना जरूरी ना होता तो मैं भी यहाँ आने की तकलीफ ना उठाता। मुझे कल ही एक कोरियर मिला है।
इसमें आपके डैडी की वसीयत है। वसीयत? वसीयत? ये पेपर्स कैसे? मैंने अपनी वसीयत बनाई, मेरे बाद कुसुम मेरी जायदाद की मालिक होगी, उनके बाद आप दोनों भाई बहनों में बढ़ जाएगी। लेकिन वसीयत तो आपने उस दिन। बिल्कुल सही, ये वसीयत उस वसीयत के बाद बनी है। इस वसीयत के मुताबिक तुम्हारे पापा ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी, अपना बिजनेस, अपना सब कुछ किसी अनिल शर्मा के नाम कर दिया है। क्या? शर्मा? मॉम, आपने कभी अनिल शर्मा के बारे में सुना है? नहीं, इन्होंने तो कभी पहले सुना नहीं। और ये सब हो क्या रहा है? अंकल, कभी डैडी जी के मुंह से आपने इस अनिल शर्मा के बारे में सुना? कभी नहीं, बल्कि इस बात से तो मैं इतनी हैरत में पड़ गया कि मैं आप लोगों से फौरन मिलने यहाँ चला आया। अभी अनिल शर्मा कौन है? वैसे इस आदमी तक पहुंचा जा सकता है? कैसे? ये देखो, इस आदमी का इसमें एड्रेस है, ये देखो। करेक्ट। हेलो, सीनियर ऑफिसर राज चौधरी, दिल्ली पुलिस। आप असली पुलिस वाले हैं? यस, अनिल शर्मा से मुलाकात हो सकती है? अनिल शर्मा को तो मरे हुए 6-7 साल हो चुके हैं। क्या? वो तो बहुत बड़ा क्रिमिनल था और आपकी पुलिस ने ही तो उसका एनकाउंटर किया था 6-7 साल पहले। ओ, उसका कोई सगा संबंधी या कोई रिश्तेदार मिल सकता है? उसका कोई सगा संबंधी नहीं है यहाँ पे और हमें कोई पता नहीं है कि वो है या नहीं। थैंक यू। एड्रेस भी सही निकला, आदमी भी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि मिस्टर मेहरा ने अपनी प्रॉपर्टी एक नामवर मुजरिम के नाम क्यों लिख दी जबकि उसे मरे हुए 5-6 साल हो चुके हैं। ये नाम, ये एड्रेस सब बहुत बड़ी गड़बड़ है। आपके पास वो एनवेलप तो होगा ना जिसमें वसीयत का कुरियर आया था? हाँ, गाड़ी में है। तो उस एनवेलप से हम कुरियर भेजने वाले के पास जा सकते हैं। चले। ये कुरियर आपके यहाँ से भेजा गया है, बता सकते हैं किसने भेजा है? हाँ जी सर, कुरियर तो हमारे यहाँ से गया, एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। हाँ, ये दिनेश रैना है, उसका मोबाइल नंबर है। फोन नंबर भी लिखा है, इसे फोन लगाते हैं, अभी सब पता चल जाएगा। कोई फायदा नहीं है, ये नाम भी गलत है और फोन नंबर भी। ये आप कैसे कह सकते हैं? मोबाइल नंबर में 10 डिजिट्स होते हैं, इसमें सिर्फ 9 है और ऐसा जानबूझकर किया गया है। आपने इन्हें कहीं देखा है? क्या करें, पिंजर पुलिस स्टेशन चलते हैं। इंस्पेक्टर। यस सर। सीनियर ऑफिसर राज चौधरी, दिल्ली पुलिस। सर, इन्हें देखा आपने कहीं? ऑफ कोर्स, बिल्कुल देखा है, कल रात को ही देखा है। सर, इनको तो लाइफ में मैं कभी भूल ही नहीं सकता। क्यों? कल रात पेट्रोलिंग करते वक्त इनकी गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर खड़ी थी और ड्राइवर गाड़ी के बाहर खड़ा था। अब तक तो यही समझा जा रहा था कि मिस्टर मेहरा के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रची गई थी, लेकिन अब खुद मिस्टर मेहरा पर कई सवालिया निशान खड़े हो गए थे। पहले तो उस लड़की के साथ उनका रिश्ता और अब ये अनिल शर्मा, जिसके नाम उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी कर दी थी। राज गहराते जा रहे हैं, पहेली उलझती जा रही है।
इस पहेली के सिरे कहां से खुलेंगे ये देखेंगे कल सावधान इंडिया की नई सीरीज एक किस्सा पांच हिस्से में।